अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार नाज़रीन, आप जुड़ चुके हो डेली विरासती न्यूज़ के साथ और मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी जब्बार। आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी के सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका के सवाड़ी एरिया में। तो यहाँ पे हमारे एनसी के जो ये है रजौरी पुंच के रेजिडेंट, इनसे जानेंगे इलेक्शन के बारे में कि जो इलेक्शन आने वाला है थोड़ी उनके बारे में हमें ये बताएंगे। तो आइए जानते हैं जी इन्हीं से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जवाहर साहब, शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए। इस एरिया में बड़ा दूर दराज इलाका है जिस जगह हमें ये 6300 फुट बुलंदी पर हम बैठे हैं इस वक्त। यहाँ सवाड़ी एरिए में इलेक्शन पार्लियामेंट का चल रहा है और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का रजौरी पुंछ जोन का नायब सदर हूँ। मेरी तमाम लोगों से ये अपील है, चाहे वो किसी भी बरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद साहब लारवी को कामयाब करें। उसका एक सवालिया फिक्रा है कि मियां अल्ताफ साहब को कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। जम्मू जाएंगे तो उनका मकान जो है वो आपको मिलेगा। काड़ाकोट मैदका में उनकी 200 कनाल जमीन है, मकान है, वो आपको मिलेंगे। पुंछ में आप जाएंगे तो उनका मकान मिलेगा। कश्मीर में दरबार है, वहाँ पर उनको रात के 1 बजे भी को जाएगा तो उनको मिल सकते हैं, खाना भी मिल सकता है। और वो जानी पहचानी हुई हस्ती है, उनके दादा जान महाराजा की असेंबली में मेंबर असेंबली रहे हैं, फिर 1967 तक वो उसके बाद में भी मेंबर असेंबली रहे हैं और उनके वालिद साहब 20 साल मेंबर असेंबली रहे, कभी हारे नहीं। और एक बात मैं बताऊं कि मियां बशीर अहमद रहमतुल्लाह यहाँ से भी जो दलाल बुद्धल से भी लड़े थे, जीत गए थे, ये जीत गए। फिर मियां अल्ताफ साहब ने 5 इलेक्शन लड़े कंगन से और वहां पर ज्यादातर वोट कश्मीरी बिरादरी का है, लेकिन मियां साहब को ही जताया उन लोगों ने। ये काम के बदले मियां साहब की कामयाबी रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की कामयाबी है, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो गैर गुजर हो, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो हिंदू बरादरी से तल्लुक रखता हो। और यही एक वाइस कैंडिडेट है जो कश्मीर की नुमाइंदगी भी कर सकता है पार्लियामेंट में और रजौरी पुंछ की भी कर सकता है, क्योंकि इसकी वाकफी है रजौरी में। जी अगर रजौरी में इनसे पूछेंगे तो ये 5000 आदमी का नाम जबानी पढ़ के सुनाएंगे। इनके मद्दे मुकाबले जो दूसरे लड़ रहे हैं वो 100 आदमी का नाम नहीं बता सकते। अगर कश्मीर में आप जाएंगे जहां से इस्लामाबाद वगैरह, तो कम से कम ये 5000 आदमी का नाम जबानी बताएंगे और गांव का नाम जबानी बताएंगे, क्योंकि इनका तजर्बा है, इनके फॉलोअर्स है, इनके चाहने वाले हैं और ये सच्चे जो लीडर हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब ये जंगलात के मिनिस्टर थे इन्होंने रहबरे जंगलात में बहुत आदमी लगाए, और जब ये सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे इन्होंने आंगनवाड़ी सेंटर हर पंचायत में 6-6 सेंटर खोले थे हर पंचायत में। अब रहते जम्मू कश्मीर में कितनी पंचायतें, ये बड़ा लंबा साहब है। और इन्होंने फिर जब ये हेल्थ मिनिस्टर बने और रजौरी में सबसे बड़ा अस्पताल इन्होंने बनाया, इनके वक्त में बने, और स्टाफ मुहैया किया, रहबरे सेहत में इन्होंने भर्ती की, रहबरे जंगलात में। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रहबरे तालीम बनाई, रहबरे सेहत बनाई, रहबरे हैबिटेशन बनाया, उसी गांव का लड़का उसी में लग जाए, जो दूर दराज इलाका है, हाई अल्टीट्यूड है, जहां पे जाना मुश्किल होता है, उसी गांव का लगाओ जी। और जो पंचायती राज है, ये फारूक साहब ने शफी साहब को भेजा था और 3-tier सिस्टम के कानून बनाए थे, इलेक्शन होना जा रहा था बीडीसी डीडीसी का, लेकिन कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज ने उस वक्त
साथी लिया तो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई। तो 2014 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ गई है, नौजवानों को कोई पूछता नहीं है। अरे 6000 पर एसपीओ लगते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी और 6000 पर। हमारे लोग 6000 पर जाने के लिए तैयार हैं, कोई भर्ती करने वाला नहीं है, किसके पास जाए? हुकूमत नहीं है, असेंबली नहीं है। और इस सरकार ने क्या किया, रियासत जम्मू कश्मीर को पहले इसके टोटे हुए थे तो इसके और दो टोटे कर दिए, दो यूटी बना ली, उधर लेह लद्दाख तो इधर जम्मू, और हमें कश्मीर के साथ लगा दिया। बेहतर है, जम्मू के साथ रहते तभी ठीक था, कश्मीर के साथ लगाया तो और ठीक किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम कश्मीर के साथ रहते तो तब भी ठीक है, अगर जम्मू के साथ रहते तब भी ठीक है। हमेशा हमने जम्मू के लोगों को जताया, चाहे वो जुगल जी हूँ, चाहे मदन लाल जी हूँ, चाहे बलदेव सिंह जी हूँ, चाहे मंगत राम जी हूँ, हमने जताया, वो रिकॉर्ड मौजूद है, देर इज रिकॉर्ड। अब की बार वोट लार, ये मेहरबानी करके मैं खिताब पीर पंजाल के लोगों से और खासकर कश्मीर के लोगों से मेरी ये गुजारिश होगी कि कश्मीर में जो नाइंसाफियां हुई हैं, आपको जो पहले जो लड़ने पहले आपने उनको आजमाया हुआ है और अजमुद्दीन रा अजमुदा खतास्त, उनको हमने पार्लियामेंट में वहां से आपने भेजा हुआ है जो आप लड़ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक दो बार पार्लियामेंट में वो गए तो वो लड़ी, उसमें उन्होंने क्या काम किया वो मुझे पता नहीं है, वो तो वो लांगे वो लोग जानते हैं, लेकिन जो जो उन्होंने इसके साथ अलायंस किया बीजेपी के साथ वो नहीं करना चाहिए था, ये पीडीपी की बड़ी गलती है और उसी का खमेजा आज कश्मीर के लोग भुगत रहे। अगर वो उस वक्त अलायंस ना करते आज ये हालात ना होते। उस वक्त कांग्रेस ने कहा था, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था पीडीपी से कि हमारे साथ हुकूमत बना लो, बीजेपी को यहां ना लाओ, इन्होंने लाया और उसी वजह से 370 भी टूटा, 35 ए भी टूटा और उसका नुकसान पूरी रियासत को हुआ, जम्मू को भी हुआ, जम्मू को भी बाद में पता चलेगा। जम्मू कहते ना डोगरी में आमले का स्वाद सज्जन की सीख बाद भी जानती है, मैं डोगरी भी बोली लेता, गोजरी भी, पहाड़ी भी और कश्मीरी भी, सारिया बोलियां मैं पढ़ा था। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है रजौरी पुंछ के तमाम लोगों से, जात बरादरी से, अबो मियां साहब को आप वोट दो, ये पढ़े लिखे भी हैं, इनकी तालीम MALLB है और ये पार्लियामेंट में जो बोलेंगे, और अनिष्ट है, बड़ी बात है, अनिष्ट हनिस्ट्री जो है ये इनकी, ये काबिले तारीफ है, कभी इनके खानदान से कोई हारा नहीं। मेहरबानी करके आप इनको जताएं, आज ये कैंपेन की लास्ट डेट है, इसलिए मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, और तमाम 18 की 18 असेंबली जो असाइनमेंट है उन सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप जात बरादरी से अबो होकर, बल्कि तमाम पार्टी से अबो होकर मियां अल्ताफ अहमद लारवी को कामयाब करें, उनकी कामयाबी खिता है पीर पंजाल और कश्मीर का जो खिता है बड़ा फार फ्लंग एरिया है, ये जानते हैं, ये पैदल भी गए हैं, ये घोड़सवार भी हैं, ये घोड़े के ये पीर पंजाल पर घोड़े भी दौड़ाते रहे, तो ये खिदमत ज्यादा कर सकते हैं और कश्मीरी आवाम की नुमाइंदगी पहले से भी ये कर रहे हैं और अब ज्यादा करेंगे, खासकर इस्लामाबाद के लोग, ऐश मकाम के, डूरू के, शाहबाद के, कुलगाम के लोग, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें और इसकी बार पहले सबको आजमाया हुआ है ना, हाँ महबूबा जी भी पहले पार्लियामेंट में गई, उनको भी आजमाया हुआ है, गो उनने काम अच्छा किया या बुरा किया मुझे पता नहीं है, क्योंकि पहले हम थे ही जम्मू के साथ, तो मुझे पता नहीं उन्हें अच्छा किया होगा,
हाँ मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने कोई गलत किया होगा किसी की जात पर, तो हाँ मेरा ये नहीं है फर्ज बनता कि मैं बोलूं, लेकिन मियां साहब जैसा लीडर आपको जम्मू कश्मीर में कोई कोई मिलेगा, होंगे बहुत सारे, मैं ये कहता हूँ होंगे बहुत सारे, लेकिन ऐसे लीडर आपको पहली बार मिले हैं। ज्यादा मेहरबानी करके आप ज्यादा से ज्यादा उनको वोट दे। बस आज मेरी ये कंपेनी की लास्ट इंटरव्यू है, इसमें जो खुदाई है जो गलती है वो मुझे माफी दे। वह आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे लोग जो है अपर एरिया जैसे ढोक में गए हुए हैं, उनको थोड़ा आना तो मुश्किल होगा, लेकिन हमारी भी गुजारिश यही रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा आए, जो अपना कीमती वोट है वो वोट देकर ही जाए। तो हमें दीजिए इजाजत।